हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में, जिसमें हम एक म्यूज़िक प्लेयर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम लोग हमारी फर्स्ट ऐप को रन करने वाले हैं। सो मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करता हूँ। एज यू कैन सी, मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मुझे दो प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एक म्यूज़िक प्लेयर करके और एक म्यूज़िक करके। सो हमने लास्ट वीडियो में म्यूज़िक प्लेयर करके एक प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है तो मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, अब थोड़ी सी बात करते हैं मेन एक्टिविटी डॉट के टी एंड एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के बारे में। अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट पहले किए तो मेरे हिसाब से आपको पता होगा ये दोनों क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट के टी और मेन एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। बट अगर आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं की है तो मेन एक्टिविटी डॉट के टी एक कॉटलिन की फाइल है, जैसे कि उसकी एक्सटेंशन बताती है। ये फाइल डिसाइड करेगी कि हमारे एप्लीकेशन में जो कोड रन होगा या जो फंक्शनैलिटी होगी वो क्या होगी। एंड एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल ये डिसाइड करेगा कि हमारे एप्लीकेशन का डिज़ाइन फ्रंट एंड कैसा होने वाला है, उसका यूआई कैसी होगी वो एक्टिविटी मेन डिसाइड करेगी और उसकी फंक्शनैलिटी मेन एक्टिविटी डॉट के टी डिसाइड करेगी। सो इतना बहुत है फिलहाल के लिए। अब जैसे कि हम अपने फर्स्ट ऐप को रन करने वाले, तो मैं यहाँ मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल में आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड करके टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, मैं सिंपली इस टेक्स्ट को चेंज करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर दिखाई दे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो यहाँ पे मैं कोड सेक्शन में आ चुका हूँ डिज़ाइन से। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इस टेक्स्ट को चेंज करके म्यूज़िक प्लेयर करने वाला हूँ। सो म्यूज़िक प्लेयर। अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ वार्निंग दिखा रही है, यहाँ पे एक येलो कलर का छोटा सा सिंबल है, एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स करके कुछ लिखा हुआ है। सो ये मुझे आपको स्ट्रिंग रिसोर्सेस से इंट्रोड्यूस कराने का एक अच्छा मौका देता है। सो सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाइए, यहाँ पे एंड्रॉयड करके टैब है, आप उसे क्लिक करें और मेन प्रोजेक्ट हायरार्की में चले जाएं। यहाँ पे मेन म्यूजिक प्लेयर के अंदर ऐप करके एक है, ऐप के अंदर एसआरसी, उसके अंदर मेन एंड जावा। यहाँ पे आप देखोगे आपकी मेन एक्टिविटी डॉट के टी फाइल रखी गई है। एंड रिसोर्सेस के अंदर जब आप नीचे जाओगे आप देखोगे एक वैल्यूज़ करके फोल्डर है और वैल्यूज़ में एक स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल है। हम प्रोजेक्ट में स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के साथ बहुत सारा काम करने वाले हैं। सो आपको शायद पहली बार आप ये देखो तो आपको हायरार्की थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगे, बट जैसे जैसे आप बार बार इन चीज़ों को देखते जाओगे आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगी। सो जस्ट डबल क्लिक ऑन स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, आप यहाँ पे देखोगे एक रिसोर्स फाइल है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, उसमें एक स्ट्रिंग करके टैग है, उसके अंदर एक नेम लिखा हुआ है ऐप नेम एंड म्यूजिक प्लेयर। सो अगर आप चाहते हो कि आप अपने एप्लीकेशन का नेम चेंज करो तो आपको ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐप नेम म्यूजिक प्लेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, बट मैं इसे म्यूजिक प्लेयर ही रहने दूंगा। एंड सिंपली हाँ म्यूजिक प्लेयर। सो मैं एक्चुअल में शो क्या कराना चाहता हूँ, म्यूजिक प्लेयर जो ऐप नेम नाम की एक स्ट्रिंग में रखा हुआ है। सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का यूज़ करने वाला हूँ, जस्ट ऐप नेम आप टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जस्ट हिट एंटर। एंड अब मैं अगर डिज़ाइन टैब में जाता हूँ तो मेरा काम हो चुका है, यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर करके कुछ दिखाई दे रहा है। सो मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे, सो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सेट करूँगा टेक्स्ट स्टाइल। बोल्ड, जिसे थोड़ा सा बोल्ड दिखाई देगा टेक्स्ट। एंड फिलहाल के लिए इतना बहुत है, इसे रन करके देखते और चेक करते क्या आपने प्रॉपरली सब कुछ इंस्टॉल किया है। सो यहाँ पे सिंपली ऊपर एक रन का बटन है, आप इसे रन कर सकते हो। अब मेरे पास जीनी मोशन करके एक एमुलेटर है, मैं उसके अंदर इस एप्लीकेशन को रन करने वाला हूँ। आप यहाँ साइड में देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और ये मेरा एंड्रॉयड एमुलेटर है। इसके अंदर म्यूजिक वर्ल्ड करके एक एप्लीकेशन है जो मैंने बनाई है एंड म्यूजिक करके एक एप्लीकेशन, बट म्यूजिक प्लेयर नाम की कोई एप्लीकेशन नहीं है। सो ये एप्लीकेशन अभी जब तक बिल्ड होती है तब तक थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। सो अगर आपको नहीं पता जीनी मोशन क्या है, तो एक एंड्रॉयड एमुलेटर है, सिंपली
अगर आप चाहो तो एंड्रॉयड स्टूडियो का बाय डिफ़ॉल्ट एमुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, बट वो थोड़ा स्लो है, उसकी वजह से मैंने जिनी मोशन को इंस्टॉल कर रखा है जिससे थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसिंग हो सके। सो जब तक ये एंड्रॉयड स्टूडियो का ग्रेडल बिल्ड होता है तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही ख़त्म होगा मैं आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाऊंगा। As you can see, ग्रेडल बिल्ड हो चुका है और एप्लीकेशन एमुलेटर में इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर करके एप्लीकेशन रखी हुई है, अगर आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जस्ट string.xml में जाके, एंड इस पर मैं क्लिक करता हूँ और हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है एंड म्यूजिक प्लेयर करके टेक्स्ट लिखा हुआ भी है। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाना चाहता था जिससे आप चेक कर सकें कि आपने सब कुछ प्रॉपरली इंस्टॉल किया है कि नहीं आपका एंड्रॉयड स्टूडियो, आपके एमुलेटर्स। सो अगर सब कुछ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको थोड़ा सा गूगल सर्च और यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर सब कुछ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग अपने म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन के लिए आइकन सेट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट करके रखी है म्यूजिक वर्ल्ड के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एंड्रॉयड की बाय डिफॉल्ट आइकन दिखाई दे रही है, सो इस आइकन को हम लोग चेंज करेंगे एंड म्यूजिक वर्ल्ड मीन्स ऐसे कुछ आइकन हम लोग सेट करने वाले हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय।